गाइस, वेलकम टू फूड ट्रैवली फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। आज है सैटरडे मॉर्निंग और सुबह का टाइम है 10 और मैं अभी उठ के आई हूँ। 10 बजे मैं उठी, आंखें सूज गई हैं सो के, क्योंकि आज वीकेंड है। ऑन टॉप ऑफ दैट बर्थडे का कंटिन्यूशन है, मतलब अगर बर्थडे वीकडेज में आता है तो वीकेंड तक तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो उस सेलिब्रेशन के लिए सुमित कर रहा है प्रिपरेशन। और सुमित क्या प्रिपरेशन कर रहा है? मैंने उपमा बना लिया, दूध गर्म कर लिया और अभी अदरक लहसुन छील रहा हूँ मटन करी के लिए। तो ये 2 दिन मेरा रेस्टिंग डे है, सुमित पूरा पैम्पर रहेगा। और जनरली मैं ऐसा करती हूँ, बर्थडे वगैरह वीकेंड में नहीं आता तो वीकेंड तक सेलिब्रेशन होना चाहिए। और सुमित खाना बना रहा है न्यूज देख देख के। मुझे न्यूज देखना पसंद है। हमारे घर में सुबह 10-11 बजे तक न्यूज चलता है। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ क्योंकि ये चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे हाथ भी हिल रहा है। तो सुमित ब्रेकफास्ट बन गया, मैं दिखाती हूँ। यम्मी दिख रहा है ब्रेकफास्ट में, यम्मी उपमा दूध और मटन, वो शायद से फ्रीजर से निकाल रहे हो ना। तो सुमित पूरा फुल ऑन बिजी है। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही, एक्चुअली ब्लॉग भी तुम्हें करना चाहिए सुमित, पूरा सब कुछ तुम्हें करना चाहिए। आज मैं सिर्फ रेस्ट करूंगी। हाँ ठीक है, थोड़ा हेल्प कर लो, मैं भी तो हेल्प करता हूँ। हाँ पर मैं नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ पैम्परिंग करना ना है आज। तुम्हें करो और करो पैम्पर और बिगाड़ो। सुमित आज बहुत बिजी रहने वाला है, वो कुछ करने देगा नहीं और सब कुछ खुद करेगा तो टाइम लगेगा। चलो ब्रेकफास्ट सर्व कर दूं मैं कर दूंगा। आज सब कुछ वही करेगा, देगा भी नहीं कुछ करने के लिए। ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा हूं आपकी प्लेट में। वो बर्तन में लगा दूं? नहीं मैं लगाऊंगा। मैं किचन में आऊं या ना आऊं? सिर्फ फोन पकड़े रहो। ना फुल था ना, वो गिरेगा ही चलेगा। पहले सुमित गिराएगा, उसके बाद घिस घिस के साफ करेगा, उसके बाद खाना देगा। आज उपमा बनाना था ना। चलो तो स्पून सीधा पकड़ो यहाँ पे वहाँ पे, और बाकी तुम लेके आओ। चलो हम अपना उपमा एंजॉय करेंगे। दूध हाजिर हो। अरे सच में आ गया दूध। मेरा नहाना धोना हो गया, अब जाके देखते हैं सुमित कहाँ तक खाना बनाया है। सुमित पूरा सीरियसली कुछ किचन में कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे भी नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं क्या कर रहे हो सुमित। वो मटन फ्रिज में रह गया था ना, उसको अलग कर रहा था। और सुमित यहाँ पे शायद से बिठा चुका है, खोलूं? हाँ। तो सिंपल सा बन रहा है, सिंपल वाला मटन। मसाला नहीं डाले हो? प्याज व्याज डाल रहे हो अभी तक शायद से? मसाला नहीं डाला। ठीक है, मसाला पीस कर रखती हूँ वहाँ पे। ओ हाँ यहाँ पे मसाला पीसा हुआ है। ये वाल इसमें भी मसाला बनेगा क्या, इसका भी? नहीं नहीं, वो पता चला उसमें छिलका डाल के बना दिया मटन और मुझे लगा कि अरे यम्मी बन रहा है। मित हमें पूरा इग्नोर कर रहा है, सुन भी नहीं रहा है। तो हम चलते हैं, क्या करें यहाँ खड़े होके? क्या इसमें लाइट क्यों ऑन नहीं की हो? ऐसे अंधेरे में क्यों खाना बना रहे हो? मुझे ऐसे ही पसंद है अंधेरा का। लाइट है, जितना लाइट चाहिए उतना है। कम है, मुझे काफी है। ठीक है, पूरा किचन तुम्हारे हवाले। क्या है फ्रिज में? फ्रिज खाली है, अंडा खत्म हो गया लाना। अंडा खत्म हो गया लाना है।
ये फ्रिज का सेंसर ना नेक्स्ट लेवल का है, अगर मैं स्लैब में भी जोर से धक्का मारूंगी तो ये सेंसर स्टार्ट हो जाता है थोड़े से वाइब्रेशन में। अभी कुछ अच्छे से सेट नहीं है। चलो सुमित ऐसे गुड़ 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 करता रहेगा, बहुत टाइम के बाद आएंगे जब पूरा बन जाएगा। और जब मैं बात करती हूँ तब भी जानबूझ के गुड़ 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 करता रहेगा, जैसे मैं क्या बोलूँ कुछ सुनाई ना दे, बोलने के बाद भी नहीं रुकता है। चलो बहुत डिसरेस्पेक्ट हो गया, चलते हैं हम जाएंगे और टीवी देखेंगे। आओगे सुमित तुम? यार सुमित पूरा यम्मी यम्मी मटन बनाया हुआ है। दिखाओ दिखाओ फेस दिखाओ, स्माइल किए जा रहे। वाओ मस्त दिख रहा है, पर ज्यादा फुल क्यों कर रहे हो? ये दिन रात हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ न्यूज चलता रहता है। रुको कुकुम्बर क्या लाओगे? ककड़ी। ये तो अभी हम लोग लंच के लिए बैठ रहे हैं, होपफुली घर का जितना भी डेकोर वगैरह की है वो आपको अच्छा लगा होगा। और एक छोटा सा क्लिप बाद में ऐड करेंगे। और सुमित लेके आ गया है ककड़ी। प्लेट बन गया है। क्या बन गया? प्लेट बन गया है, सज गया। ओके ओके। मटन थाली मटन राइस। अपना प्लेट भी तो बनाओ। हाँ मैं बना रहा हूँ। प्लेट बना रहा हूँ। जो कैसा है? अपने लिए इतना सा चावल ले रहे, मेरे लिए इतना सारा। मेरे पेट से भी लूम है ना, इसलिए मैं कम ले रहा हूँ। क्या सुमित इतना पूरा काम करने के बाद भी ग्लो कर रहे हो? सीक्रेट। क्या सीक्रेट मुझे भी बताओ। ग्रीन टी। ओह हाँ चलो, मेरे लिए कटोरी, तुम्हारा कटोरी क्यों नहीं? नहीं मुझे कटोरी आज मूड नहीं है ऐसे। मुझे फिश के बाद मटन ज्यादा पसंद है कंपेयर टू चिकन, इसीलिए सुमित ने मटन बनाया है। और दो ककड़ी सुमित का, सब कुछ मेरे प्लेट में ही दे देता है। और हम टूट पड़ेंगे। वाओ सुमित, सुपर, पूरा अच्छे से टेंडर है। नमक तीखा सब कुछ परफेक्ट। मस्त बना, ये पहली बार बनाया ना मटन? तुम कभी मटन नहीं बनाया, चिकन बहुत बार बनाया है। ऐसे मटन तुम ही बनाओ, बहुत अच्छा बना है। का अंदर का नहीं आ रहे? आएगा। नहीं निकला, फट जाएगा प्लेट। रहने देते ठीक है। यार तुम भी बोलो, तुम्हें कैसा लगा अपना खाना? मुझे भी अच्छा लगा, टेस्टी तो बना है। मुझसे भी ज्यादा टेस्टी बना है, बोलो। एक्चुअली बहुत अच्छा बना है। तो अब से मुझे बनाने देना मटन। बनाओ, बहुत अच्छा बना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको अच्छा लगे, देखने में तो अपीलिंग है, अगर अच्छा लगे तो मैं रेसिपी शेयर करूंगा। हाँ शेयर करो, एक्चुअली बहुत टेस्टी बनना है, शेयर करो। ठीक है ठीक है, चलो हम लोग अभी खाना एंजॉय करते हैं आराम से। मैं वीडियो देख बनाती रहूंगी तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, खाने के बाद मिलेंगे। बाय बाय। देखो मैं यहाँ पे बैठ बैठ के वो बलून को हिला सकती हूँ। चिंदी जैसे थोड़ा सा लेके के आयो। अरे ज्यादा गर्म हो गया पूरा।
लावा बनना के लेके आया हूँ। ये माय चीक। ये होता है बर्थडे का सेलिब्रेशन और पैम्परिंग। दो दिन तक मैं यहीं पे बेड पे सोफा पे और बेड पे ही मिलूंगी। वाह वाह। इसको केक खाना है, घर आ जाओ। थोड़ा सा ही बचा है खत्म होने से 80% पहले। 80% खत्म हो गया। 80 खा चुकी हूँ मैं। हे भगवान, 10 किलो तो मैं ऐसे ही बढ़ जाऊंगी ये खाते खाते। नेक्स्ट क्या मिलेगा खाने में? चॉकलेट है। उसमें तुम क्या बनाए हो? चॉकलेट मैंने ऑर्डर किया, कस्टमाइज्ड चॉकलेट। नहीं 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 बना के और क्या खिलाओगे? मटन है, वो खा चुकी हूँ। नेक्स्ट बर्गर, चिकन बर्गर घर पे बनाओगे? तो और एक केक पीस, चिकन बर्गर। वाह वाह, हर 2 महीने में बर्थडे आना चाहिए। कितना अच्छा पैम्परिंग मिलेगा। बस खत्म हो गया और थोड़ा सा ही बचा। केक इतना यमी है, इतना यमी है, आई कैन टेल। वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। देखो मैं सुमित को ऑफर भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि खत्म हो जाएगा और 20% ही बचा है, वही बोल रहा है। 2-3 दिन हो गए मैं किचन गई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है। चलो नेक्स्ट बर्गर खाने के टाइम पे मिलेंगे। अभी हो गया है टाइम 7:30 और खाने के लिए आ गया है बर्गर। यम्मी। वीकेंड हो तो ऐसा खाना मिले तो और क्या चाहिए। अभी एक मूवी ख़त्म की हूँ और अभी बर्गर खाऊंगी। तो थोड़ा ज़्यादा ही पैम्परिंग हो रहा है। सुमित सारा कुछ मेरा फेवरेट फेवरेट बना रहा है और देखिए कितना यम्मी सा बर्गर है। सुमित के लिए वेट करूंगी, वो आएगा, मिलके खाएंगे। ये वाला नहीं, वो अपना वाला बना के लेके आ रहा है। बहुत अच्छा भी स्मेल कर रहा है। लंच के बाद से मैं यहीं पे ही बैठी हूँ सोफे पे, कहीं नहीं गई हूँ। बैक टू बैक मूवी चल रहा है और खाना भी चल रहा है साइड बाई साइड। सुमित पूरा सोच कर रखा है कि 2-4 किलो बढ़ा के ही छोड़ेगा क्योंकि कुछ कर नहीं रही हूँ, सिर्फ खा रही हूँ। तो आज खाने का चल रहा है सेशन। सुमित अपना लेके आओ। मेरे पास भी है ही हा 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 हा। दोनों और पूरा ऊपर लेके चलेगी, नीचे और नहीं। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मटन मुझे तो खाना मस्त लगा। अब ये बर्गर टेस्ट करके देखो कैसा है और आप भी पोस्ट कीजिए आपको कैसा लगा और आपने वीकेंड में क्या किया। खाऊं मैं? हाँ पूरा मेसी होगा, बट मेसी तो हो गए, बर्गर है ही वैसा। अंदर चिकन, कैप्सिकम, ऑनियन, लेटस सब है, मस्त है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।